का मॉडल 3864 मॉडल में आपके चार फंक्शन हैं, और पहला फंक्शन माइक्रोवेव का होता है, और दूसरा फंक्शन ग्रिल का होता है, और तीसरा कन्वेक्शन का होता है। इस तरह से चौथा जो होता है कंबाइंड होता है, तो आपको उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। माइक्रोवेव फंक्शन होता है, पहला फंक्शन माइक्रोवेव पे आप खाना गर्म कर सकते हैं और खाना पका भी सकते हैं, रोटी दाल छोड़ के सब कुछ पका सकते हैं। बर्तन प्लास्टिक बोरोसिल चीनी मिट्टी के अलावा कोई बर्तन नहीं रखना है माइक्रोवेव फंक्शन पे, कोई चमकने वाली चीज़ भी आपको नहीं रखना है। जैसे एक कप चाय इसके अंदर हम रखते हैं, माइक्रोवेव कभी खाली नहीं चलता, हम बाउल में पानी रख के चला रहे हैं। अगर एक कप चाय आपको रखना है, गर्म करना है, तो यहाँ पे आपका बटन दिया हुआ है प्लग लगाने के बाद, ये एक्सप्रेस कुकिंग वाला बटन है, ये स्टॉप रीसेट है, ये एक्सप्रेस कुकिंग है। इसको एक बार दबाएंगे 30 सेकंड में आपका एक कप चाय गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक कप चाय गर्म करनी, एक बार दबाइए 30 सेकंड लिख के आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा। इस तरह से आप एक कप चाय के अलावा अगर आपको खाना ज़्यादा मात्रा में गर्म करना है, सब्जी चावल दाल कुछ ज़्यादा गर्म करना है, कुछ नहीं करना है, इसी टाइम को आप बढ़ा सकते हैं एक्सप्रेस कुकिंग को, इससे टाइम बढ़ा सकते हैं 10 मिनट तक। तो इस तरह से आपका जो भी खाना रखेंगे वो गर्म हो जाएगा। फ्रिज से निकाल के रख रहे हैं तो एक मिनट अधिक और लगा दीजिए, तो इस तरह से गर्म होगा। ये तो वह माइक्रोवेव फंक्शन में खाना गर्म करना। अब माइक्रोवेव में रोटी दाल छोड़ के सब कुछ पका भी सकते हैं, रोटी दाल नहीं पकेगी बाकी सब पका सकते हैं। इस बाउल में अगर आप चावल रख रहे हैं 100 से 150 ग्राम चावल रखिए, पानी डालने के बाद आधा खाली रहना चाहिए, आधा खाली रहेगा। तो इस तरह जब रखेंगे, और रखने के बाद आप चलाएंगे यहाँ से माइक्रो पावर लेवल, जो इसी के ऊपर बटन दिया हुआ है एक्सप्रेस कुकिंग के ऊपर, ये दबाएंगे, माइक्रोवेव लिख के आ जाएगा पावर लेवल हाई। यहाँ से 10-10 मिनट करके आप 9 बार टाइम बढ़ा सकते हैं, 90 मिनट तक चलेगा। एक एक करके 9 बार टाइम बढ़ाएंगे, 9 मिनट तक चलेगा। इस तरह से हम इसको यहाँ से 6 कर देंगे। अब स्टार्ट बटन रेड कलर का, इसको हम दबा देंगे तो आपका माइक्रोवेव चालू हो जाएगा 16 मिनट के लिए, आपका 100 से 150 ग्राम चावल पक जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी पकाएंगे तो माइक्रो पावर लेवल टाइम और स्टार्ट, इस तरह से आप पका कर, इसी के नीचे आप सेकंड के दिए हुए 10 सेकंड और 1 सेकंड करके बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको पकाने का माइक्रो पावर लेवल और स्टार्ट कर देंगे तो आपका टाइम देने के बाद वो पक जाएगा। ये तो माइक्रोवेव सिस्टम हुआ। अब माइक्रोवेव में दूसरा सिस्टम होता है, जैसे कि आप इसकी वो कहाँ जाली कहाँ है, हाँ जाली ग्रिल, हाँ लाइन, इसमें दूसरा फंक्शन ग्रिल का, आप कुछ पका नहीं सकते हैं। ग्रिल पे वो काम करना है जैसे कि आप बाजार से समोसे लाए हैं, अगर माइक्रोवेव फंक्शन पे रख देंगे तो समोसे आपके मुलायम हो जाएंगे। तो जो चीज़ आपको क्रिस्पी खानी है वो ग्रिल फंक्शन पे रखना है। ग्रिल फंक्शन पे आपको प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखने हैं, बोरोसिल चीनी मिट्टी और मेटल कुछ भी रख सकते हैं। ये दो जाली दी गई है, छोटी वाली पे ऊंचा सामान आएगा, बड़ी वाली पे छोटा सामान आएगा। ये हम रख देंगे, अगर समोसे लाए हैं तो इसी जाली पे रख देंगे, अगर बिस्किट दाल मोट है तो स्टील की प्लेट पे फैला के रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से दबाएंगे ग्रिल, जो माइक्रोवेव पे बगल में कनेक्शन के बीच में हुआ है, तो यहाँ से ग्रिल दबाने के बाद यहाँ ग्रिल लिख के आ जाएगा। यहाँ से टाइम देंगे लगभग 5-6 मिनट का और स्टार्ट कर देंगे। अब जो इसमें सामान हमने रखा है, समोसा जलेबी दाल मोट जो भी रखी है, वो क्रिस्पी होगा, लेकिन 2 मिनट चलने के बाद एक बार डोर खोलेंगे, उस सामान को पलट देंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे बंद करने के बाद। फिर आगे 2 मिनट, आपको 6 मिनट के अंदर 2 बार खोल के इसको चलाना है या पलटना है, तो वो चीज़ें आपकी क्रिस्पी हो जाएंगी। अब माइक्रोवेव पे अगर आप जलेबी रख देंगे तो उठा नहीं सकते, गल जाएंगी। अगर ग्रिल फंक्शन पे रखेंगे प्लेट में तो आपकी वो एकदम करारी हो जाएंगी। तो इसलिए ग्रिल पे आप कोई भी प्लास्टिक के बर्तन आपको रखना मना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फंक्शन हुआ। अब तीसरा फंक्शन कन्वेक्शन का होता है, बेकरी आइटम, केक बिस्किट बन नान खटाई, इसके लिए होता है। बिस्किट नान खटाई तो इस काली ट्रे पे आप बना लोगे, रेडी करके रख लो। अगर आपको केक बनाना है तो एल्युमिनियम का बाउल, केक टिन आता है वो, कम से कम उसमें 350 ग्राम की रेसिपी तैयार करके केक की रख लेंगे साइड में। रखने के बाद हम फिर यहाँ दबाएंगे कन्वेक्शन, इसमें 110 सेंटीग्रेड कन्वेक्शन लिख के आ रहा है, इसी को हम दबाते रहेंगे। 180 भी आ जाएगा, 200 तक होता है, ये आपकी किताब में जितना टेम्परेचर दिया उतना आप कर सकते हैं। करने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट दबा देंगे, तो इसको बोलते हैं प्रीहीट। ये कन्वेक्शन देखिए प्रीहीट ऊपर लिख के आ रहा है, तो ये प्री, कोई भी बेकरी आइटम आप पकाएंगे पहले हम प्रीहीट करेंगे माइक्रोवेव को। तो प्रीहीट करने पे जब इसमें 180 टेम्परेचर अंदर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको खोल दोगे।
ये बिप करेगा जब 180 टेम्परेचर होगा, बिप करने लगेगा करेगा। आप डोर खोल के इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दोगे। बिस्किट नान कढ़ाई की ट्रे तैयार है तो इस प्लेट पर रख दोगे शीशाली, या केक का बाउल तैयार है तो इसी पर रख दोगे। रखने के बाद फिर से हम पकाने के लिए 180 करेंगे, ये पहले वाला प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से टाइम देंगे 35 मिनट का और स्टार्ट कर देंगे। 35 मिनट इसलिए हमने दिया है कि कम से कम केक 350 ग्राम बन पाएगा, उसके लिए 35 मिनट का टाइम आपको देना है। तो इस तरह से आपका जब चिप चल रहा हो माइक्रोवेव, जब 25 मिनट चल जाए, लास्ट का 10 मिनट रह जाए, तो एक बार डोर खोल देंगे, उसमें चाकू डिप करके देखेंगे, अगर सूखा निकला है तो पक गया है, अगर चिपक रहा उंगली में तो नहीं पका है, वापस फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका केक पक जाएगा। अगर बिस्किट नान कढ़ाई पकाएंगे उसके लिए प्री हीट होने के बाद 10 मिनट का टाइम देना है। 8 मिनट पे खोल के चेक कर लेंगे, 8 मिनट पे खोल के चेक कर लेंगे, अगर तैयार है तो निकाल लेंगे, वरना आपको फिर से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आपका जो है बिस्किट नान कटाई भी 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब एक चौथा फंक्शन इसे कंबाइन होता है, जिसमें आप पनीर टिक्का, रोस्टेड मुर्गा या कबाब, ये सब चीज़ें अगर पकाना चाहें कर सकते हैं। तो इस ट्रे पे वो जो भी आइटम आपको पकाना है इस पे रख लेंगे, अगर पनीर टिक्का है वो रख लेंगे या रोस्टेड मुर्गा है वो रख लेंगे। रखने के बाद इसको अंदर रखेंगे ट्रे को, कम से कम आधा किलो वजन होना चाहिए उस सामान का। यहाँ पे माइक्रो प्लस ग्रिल दिया है, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन दिया हुआ है। माइक्रो प्लस ग्रिल पे अगर आप बनाएंगे हल्का सा चिमड़ापन आता है, आपको अगर क्रिस्पी पसंद है तो सीवन करके टाइम दीजिए 30 मिनट का और स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो इस पे आप करिए 200 डिग्री का टाइम दीजिए, इसमें टेम्परेचर करिए, 30 मिनट का टाइम दे के स्टार्ट कर देना है। जब स्टार्ट कर देंगे तो ये 15 मिनट चलने के बाद अगर पनीर टिक्का है तो खोल के उस आइटम को पलट देंगे पनीर टिक्का है तो, और फिर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका रोस्टेड मुर्गा है तो उसके लिए आपको हर 5-7 मिनट में खोलना है, थोड़ा सा घुमाना है और बंद करके स्टार्ट करना है, इस तरह से 4-5 मरते करना है तो वो आइटम आपके पक जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 फंक्शन होते हैं। अब कुछ बटन है उनके बारे में और बता रहे हैं हम आपको, जैसे कि इसमें दिया है डिफ्रॉस्ट, फ्रिज में जो चीज़ें आपकी जम जाए, पनीर है, मटर है, ये आप स्टार्ट के ऊपर जो बटन दिया हुआ है इसको दबाएंगे, फ्रिज से निकाला हुआ सामान जो जमा है प्लेट पे रख के काली वाली अंदर रख देंगे, फिर यहाँ से दबाएंगे गिनती 1, 2, 3, ये वजन पूछ रहा है कितना है, जितना 400 ग्राम 300 ग्राम जितना वजन है आपका स्टार्ट कर दीजिए, वो चीज़ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जो जमी हुई बर्फ है पिघल जाएगी। तो एक तो ये बटन हुआ है यहाँ पे आपका, इसमें कीप वार्म दिया हुआ है। कीप वार्म होता है जैसे कि आपने सब्जी चावल दाल कुछ गैस से बनाया आपने, और गैस से वो आइटम बर्तन इसके अंदर आ सकता है, जितना गर्म वहाँ पे है उतार के रख देंगे और इसको एक बार दबा के स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो आइटम जो है उतना ही गर्म बना रहेगा जितना आपने गैस से उतारा है। तो इस तरह से वो गर्म बना रह जाएगा। और इसी आपका यहाँ पे जितना दिया है सारा ऑटो मेनू है। ये ऑटो मेनू का मकसद ये होता है कि जितना ये वजन दबाएंगे ये वजन शो करेगा। जैसे रीहीट है, कुछ गर्म करना है, अब 200 ग्राम वजन रखिए अंदर रखिए, अगर 200 ग्राम तौल के तो रख नहीं पाएंगे, कैसे 200 ग्राम समझें भाई, स्टार्ट करना है अपने आप टाइम ले लेगा। इसी तरह से केक है, 475 ग्राम बनेगा रिजॉल्ट, स्टार्ट कर दीजिए अपने आप टाइम ले लेगा। यहीं पे आपका दिया हुआ है बेवरेज, आपका लिक्विड है 400-600 ग्राम, स्टार्ट कर देंगे अपने आप टाइम ले लेगा। जैसे चाय है कुछ बनानी है, और पकाने के लिए हमेशा आपको बाउल आधा खाली रखना है, ये ध्यान देना है। इसी तरह तंदूरी कुछ है तो आप इसको 800 ग्राम 1 किलो 2 किलो 200 जो आप रोस्टेड बनाना चाहें यहाँ बना सकते हैं।